Priyan, welcome back to my YouTube channel. And in today's video, we are discussing some BTS aesthetic outfits. And अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इस वक्त मैं हूँ कोरिया में बहुत ही स्पेशल काम के लिए. And if you haven't checked out my Korea vlogs yet, तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर देना, चेक कर लेना मेरे व्लॉग्स. बहुत कुछ फन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कूल और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे फॉर ऑल BTS आर्मीज. बट बैक टू द टॉपिक, हम लोग BTS aesthetic outfits डिस्कस करेंगे आज, जो कि मेरे चैनल की सबसे पॉपुलर, सबसे चहेती वीडियो है. तो इसलिए बना दिया मैंने इसका पार्ट वन नहीं, पार्ट टू नहीं, पार्ट थ्री. एंड लेटेस्ट पार्ट थ्री आ चुका है मेरे चैनल पे. इफ यू हैवंट सीन दैट, वो भी जाकर देख लेना, तभी सेंस बनेगी इस वीडियो की, है ना. तो आज जल्दी से ग्रैब सम स्नैक्स, सम पॉपकॉर्न्स एंड शुरू करते हैं. सब्सक्राइब फॉर मोर. गाइस, सीन हो गया है क्योंकि हम वीडियो शुरू करने वाले थे एंड बारिश हो गई है. तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं स्टिल वीडियो सुन लूं. तो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा था कि BTS aesthetic outfits तो ठीक है, जो शुरुआत में आपने आउटफिट पहन रखे वो आपने कहाँ से ली, तो वो बता दो. इस बार इसीलिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ. पहली जो मेरी आउटफिट थी ये मैंने ली है अर्बैनिक से. तो ये फ्लावर्स बन रहे हैं, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई ये वाली ड्रेस, क्योंकि उनको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है. ब्लैक कलर की थी, ब्लैक एंड व्हाइट, सो इट गोज विद द व्हाइट ऑल्सो. मेरे पास ज्यादा शूज वगैरह नहीं है क्योंकि ये कोरिया में शूट करी है मैंने वीडियो. तो इसके साथ मैं चाहती तो मैं यू नो हील्स पहनती, बट मैंने ऑक्सफोर्ड शूज पहने हैं क्योंकि थे नहीं, जो लाए हैं उन्हीं में काम चलाना पड़ रहा है, वही कर रहे हैं, समझिए प्लीज अंडरस्टैंड. सॉक्स भी नहीं पहने मैंने आलस के चक्कर में. इस वीडियो में 3 बजे शूट करी थी, पता ये वीडियो मैंने, जिसकी कोई सेंस नहीं है 3 बजे कौन जाके करता है. थके आए थे, शूट करके आए थे, पूरे दिन घूम रहे थे हम लोग, चल रहे थे, एंड फिर भी 3 बजे शूट करी थी मैंने ये वीडियो. बट मैंने कहा यार नहीं, मन कर रहा है तो बनाएंगे. One pathetic soap story later. Rain intensifies. बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है इस वक्त. सडनली क्यों हो गया, कोई भी रेडी नहीं था, सब लोग बाहर हलचल मच गई है कि भाई बारिश हो कैसे गई, क्यों हो रही है, क्या हो गया. नाउ द नेक्स्ट आउटफिट इज RM वाली आउटफिट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने पकड़ा हुआ है, एक प्लांट. वी ऑल नो दैट व्हाई, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है. RM इज अ प्लांट लवर, उसको बहुत ज्यादा पसंद है प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो अपने घर में बना रहा है. RM पेड़ नहीं बना रहा है, तो इसे मैंने एक प्लांट यू नो ऐड किया उसकी आउटफिट के साथ, टू सिग्निफाई कि उसको पसंद है ये सब ग्रीनरी, बुक्स वगैरह वगैरह. ऑल्सो द कलर थीम जो RM को पसंद है आउटफिट्स, वो यूजुअली ग्रीन कलर के या बेज कलर के, बहुत ही अर्दी टोन्स पहनता है. लेटली आई हैव ऑल्सो सीन हिम वेयर ब्लैक थोड़ा बहुत, विच इज़ नॉट एन अर्दी टोन बट बेसिक है. लॉट ऑफ ब्लैक टी शर्ट्स, प्लेन ब्लैक टी शर्ट्स, एंड उसने बाल भी छोटे करा लिए अपने, तो थोड़ा सा लुक उसका बदल गया है. बट उसका जो कोर फैशन है, कोर स्टाइल है, वो यही है कि ही वेयर्स अ लॉट ऑफ अर्दी टोन्स एंड ग्रीन, बेज, ब्राउन, इस तरीके के कलर्स वो पहनता है. बहुत ही लूज फिटेड कपड़े वो पहनता है. मैंने जो आउटफिट स्टाइल की RM की, उसके अंदर मैंने उसको दिया है एक बहुत ही ओवर साइज ग्रीन कलर की एनिमे प्रिंटेड शर्ट, जो मैं कहाँ से लाई थी और मैं भूल गई, मैंने आई थिंक ऑनलाइन कहीं मंगाई होगी ये टी शर्ट. एंड बहुत ही सुंदर ये टी शर्ट है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत ही ओवर साइज है, आई मस्ट से बहुत ही ओवर साइज है, क्योंकि ये मेरे एज ए नाइट ड्रेस काम करती है. बट आई वोर इट फॉर हिज आउटफिट बिकॉज इट वॉज परफेक्ट. एंड जब मैं ले रही थी, पता है मैंने तब भी यही सोचा था दिमाग में कि RM की आउटफिट बनाऊंगी इससे, बिकॉज एनिमे ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो वही वाइब देता है मेरे को, उससे RM की ही वाइब आती है. एंड नीचे जो मैंने पैंट्स पहनी है, अगेन बहुत ही ओवर साइज है, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं, ये मैंने शिवानी की पैंट्स ली है. जैसे कि आप समझ सकते हैं मैं कोरिया में हूँ, तो कपड़ों की यहाँ पे थोड़ी कमी है. मैं यहाँ पे अपना पूरा क्लोजेट तो उठा के ला नहीं सकती थी ना, तो इसलिए मैंने शिवानी की पैंट्स ली हुई है. ये जॉगर्स हैं, तो जॉगर्स जो है शिवानी के हैं, लूलू एंड स्काई से लिए थे. एंड यस, नीचे मैंने पहनी हुई है स्लीपर्स, जो हम Airbnb में रुके हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने हमारे को दी थी, मैंने वही पहन ली. मैंने कहा थोड़ा कंफर्टेबल लुक बनाना है, तो इट वुड बी बेटर टू वेयर स्लीपर्स इंस्टेड ऑफ शूज और एनीथिंग एल्स. तो ये है RM की आउटफिट, आई होप यू लाइक इट. इस चीज का भी बायस आ रहा है, प्लीज कमेंट करके नीचे मेरे को बताओ. बाय द वे, तुम लोग ये बहुत पूछते हो कि मेरा बायस कौन है, मेरा बायस कौन है, प्लीज ये वीडियो देख लो एंड समझ जाओ मेरा बायस शुगा है. वैसे मैं 7 लोगों में से चूज नहीं कर सकती हूँ, एक ना एक पॉइंट पे हर कोई मेरा बायस रहा है. जब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, आई थिंक 2016 से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, और तब से लेके अब तक कोई ना कोई बदलता रहा है मेरा बायस. बट बार 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 शुगा आ जाता है, तो इस वक्त भी मेरा बायस शुगा ही है. एंड आई रिलेट टू हिम द मोस्ट, तो इसलिए मैं कहूंगी वो मेरा बायस है. तुम्हारा बायस कौन है कमेंट करके बताना. तो नेक्स्ट आउटफिट पे बढ़ते हैं, एंड इट इज जिन. तो जिन की आउटफिट के लिए आप नोटिस करेंगे मैंने ऊपर एक इमोजी बनाया हुआ है, विच इज रामन का इमोजी, बिकॉज वी नो जिन रामयान उत्तगी जिन रामयान, है ना. तो बस वो सिग्निफाई करना था मेरे को. एंड वी ऑल नो कि जिन को बहुत ज्यादा फूड पसंद है, इज अ फूडी,
तो इसलिए वो चीज मैंने सिग्निफाई करी है. एंड मैंने जिनके आउटफिट को बहुत ही बेसिक और सिंपल रखा है, बिकॉज ही यूजुअली वेयर्स बहुत ही बेसिक और सिंपल कपड़े. तो वार्डरोब बेसिक्स चाहिए इसके लिए हमें, व्हाइट टी शर्ट्स, व्हाइट यू नो शर्ट्स, इस तरीके के कपड़े. वो जीन जैकेट बहुत पहनता है, मेरे पास थी नहीं, बट इफ यू आर स्टाइलिंग जिन की आउटफिट तो आप जीन जैकेट्स पहन सकते हो, डेनिम जैकेट्स जो होती है. एंड नीचे मैंने ब्लू डेनिम जीन्स पहनी है, ओवरसाइज है वो भी. एंड ओवरऑल मेरे को जिनके लुक के लिए थोड़ा ये दिखाना था दैट ही हैज ब्रॉड शोल्डर्स है ना, तो मैंने इसलिए जो टी शर्ट पहनी है वो भी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड वाली टी शर्ट पहनी है, जिससे मेरे शोल्डर्स भी थोड़े ब्रॉड लग रहे हैं. ऑल्दो मेरे शोल्डर्स जिनके लिटरली आई थिंक हाफ होंगे, बट you get it, you get the point. And also a very special element in jeans outfit is the teddy bear that I have. Thank you to the Airbnb wale bhaiya jo jinhone wo rakha hamare Airbnb mein teddy bear, and I could add it to the outfit because we know he loves RJ so much. Wo airport tak pe RJ ko lekar jata hai, aur ye main last video mein bhi cover kari thi, but I had to add it, obviously, it's so obvious. Now next outfit hai Suga ki outfit, and for Suga's outfit I obviously added a cat, क्योंकि he's a little meow meow. But Shuga के outfit में आप लोग notice करेंगे बहुत ज़्यादा changes आए हैं between part 1, part 2 and now part 3, क्योंकि उसका style बहुत ज़्यादा बदला है हर थोड़े थोड़े time में. सो गई है तो शिवानी सो गई है, by the way, just an update. पहले he used to wear a lot of leather jackets और you know fitted pants, उस तरीके के कपड़े. बीच में he started wearing a lot of sweaters. आपने देखा होगा जब life goes on वाली era थी, he was wearing blue sweaters a lot. तो मैंने उस तरीके का एक look बनाया था. Now इंस्टा भी खोलोगे तो मैंने notice किया he is wearing a lot of white t-shirts, plain white t-shirts. उसके ऊपर he layers something always. तो मैंने भी ये किया है, आई एम वेयरिंग अ प्लेन व्हाइट टी शर्ट विच आई गॉट फ्रॉम ओनली, एंड उसके ऊपर जो जैकेट मैंने लेयर करी है ओवर कोट है बेसिकली ब्लैक कलर का. आई हैव ऑल्सो पेयर्ड इट विद सम पैंट्स जो मैं नैनीताल से लेकर आई थी, बहुत ही लूज कम्फी कम्फी पैंट्स है ये. मैंने एयरपोर्ट पे पहनी थी वाली आउटफिट जब मैं कोरिया आई थी, तो इट वॉज रियली नाइस. एंड मैंने नीचे शूज पहने हुए हैं. शूज कहाँ से लिए थे मैंने, शूज शिवानी ने गिफ्ट किया मेरे को, इट वॉज माई बर्थडे गिफ्ट जो शिवानी मेरे को दिया है. And yes, that's Suga's outfit. This outfit, by the way, is also a direct reference to this look that he did for his concert. मतलब concert से पहले, you know, जो microphone check होता है, sound check होता है, उसमें उसने पहना था. And it was such a viral look, बहुत viral गया था. Everyone loved it. I personally loved it. मैंने story पर भी डाला था. And I had to recreate it. So I tried that. Now moving on to our sunshine, our little hobby. मैंने जे होप के नाम के आगे एक सनफ्लावर लगाया है, which is a must. Obviously, but Jihook ki outfit again is a very colorful outfit because we know he loves color and especially he loves green, signifying Sprite also. I have Sprite. मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में डाली थी, इस टाइम नहीं डाली है बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. आई लव दिस स्टाइल, व्हाट आर यू सेइंग. बट जो जेहोप की आउटफिट है ना, इसको मैंने बहुत ही फंकी सा लुक दिया है, एक हिप हॉप स्टाइल दिया है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स जेहोप. द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ दिस आउटफिट इज माई माइकल कॉर्स बैग, जो मेरे को ऐड करना ही था बिकॉज वी नो हो वी लव्स पाउचेस, क्यूट लिटिल पाउचेस उसको बहुत ज्यादा पसंद है. एंड एक टाइम था जब इंस्टा पे अपनी आउटफिट ऑफ द डेज डालता था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें भी वी सी कि वो यू नो ऐसे लूज फिटेड बैगी फिटेड जीन्स या जॉगर्स वगैरह पहनता है. तो मैंने वही स्टाइल रिक्रिएट किया विद अ पाउच, अ बकेट हैट व्हिच इज आल्सो डेनिम मैचिंग विद द जीन्स, एंड ग्रीन कलर का मेरा क्रॉप टॉप है. अब लोग ये मत कॉमेंट कर जाना कि guys, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी पर्सनल स्टाइल भी तो कुछ है. एंड इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ जे होप का स्टाइल एंड ऑल्सो समथिंग दैट आई कुड वेयर ऑन माई बॉडी टाइप, जो मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा. बिकॉज हमको BTS aesthetic outfits recreate करनी है, उससे inspired looks बनाने हैं, बट ऐसा भी तो करना है लाइक वी शुड ऑल्सो लुक गुड वेयरिंग दोज, राइट? वी डोंट हैव जे होप की बॉडी या वी डोंट हैव जिन वाले शोल्डर्स, राइट? सो नॉट एवरीथिंग विल लुक गुड ऑन अस. अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से स्टाइल करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माई टॉप वॉज फ्रॉम H&M, द बकेट हैट आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से ली थी, बट इट्स अ वेरी बेसिक बकेट हैट. आई थिंक आप लोगों को लोकल स्ट्रीट शॉप्स पे भी मिल जाएगी. शूज अगेन फ्रॉम शिवानी, गिफ्टेड बाय शिवानी. माई जीन्स, शिवानी जीन्स कहाँ से ली थी, माई जीन्स इज फ्रॉम Amazon, मैंने पहले हॉल किया था. तो अगर आपको वो हॉल देखना हो, इट वॉज Gen Z आउटफिट हॉल, तो वो भी आप देख सकते हो. अभी तो बेचारा मिलिट्री में गया हुआ है, आई होप ही इज फाइन. नेक्स्ट इज Jimin Armoji. एंड नाउ Jimin की जो आउटफिट है इस बारी बहुत ही अलग रही है कम्पेयर टू माई प्रीवियस वीडियोज, क्योंकि पहले मैंने जो आउटफिट्स बनाई थी उसकी स्टेज आउटफिट्स के हिसाब से बनाई थी. यूज टू वेयर लेदर पैंट्स, शर्ट्स एंड ऑल.
अभी जो मैंने आउटफिट बनाई है इट्स अ वेरी लाउंज वेयर टाइप ऑफ अ लुक. ही हैज बीन वेयरिंग अ लॉट ऑफ दैट. आप देखोगे लूज स्वेटशर्ट्स पहनता है वो आजकल, लूज स्वेटर्स पहनता है. बट द मेन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन हिज पर्सनल स्टाइल ऑल ओवर दीज इयर्स इज इग्नोरिंग द स्टेज आउटफिट्स, उसका जो पर्सनल स्टाइल है वो ये है कि ही वेयर्स अ टी शर्ट एंड ही लेयर्स इट विद अ कार्डिगन और अ लिटिल जैकेट. जैकेट भी बहुत लाइक लाइट फैब्रिक की जो होती है ना उस तरीके से, बहुत ही ब्रीदेबल एंड एयरी फैब्रिक. माई टी शर्ट इज अगेन फ्रॉम ओनली, इट्स द सेम वन जो मैंने शुगर के आउटफिट में पहनी थी. एंड येस दे ऑल हैव डिफरेंट क्लोथ्स, बट मेरे पास फिलहाल इतने ही कपड़े थे तो मैंने उतने ही कपड़ों में लुक रिक्रिएट करे हैं. एंड उसके ऊपर मैंने कार्डिगन पहना हुआ है, इट्स अ मेश कार्डिगन. नीचे आई एम वेयरिंग बेज पैंट्स जो मैंने अगेन लोकल स्ट्रीट स्टोर से ली थी. स्लीपर्स आर फ्रॉम द Airbnb. एंड हाँ, इफ यू नोटिस जिमिन के नेम के आगे मैंने मून वाला साइन बनाया. अब आप लोग बोलोगे प्रिया मून तो लेकिन जिन है, तुमने जिमिन के आगे क्यों बना दिया? इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिज टैटू. इफ यू हैवंट नोटिस जिमिन का टैटू है, ही रिवील्ड इट. एंड यस दिस वाज जिमिन्स आउटफिट. नेक्स्ट इज वी, एंड द डिबेट हैज एंडेड कि वी को हम बेयर बोलें या फिर हम टाइगर बोलें, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि आई एम अ बेयर. तो मैंने बेयर वाला इमोजी लगाया वी के आगे. एंड द आउटफिट दैट ही इज वेयरिंग, ही यूजुअली वेयर्स अ लॉट ऑफ बेज टोन्स एंड ग्रीन टोन्स अगेन जस्ट लाइक RM, बट द डिफरेंस इज दैट ही ऑल्सो वेयर स्वेटर्स and animal prints. He plays with texture and all. So we know ki V is a fashionista and I'm wearing this animal print t-shirt jo maine Shivani se li hai. Actually mere papa ki hai. Very interestingly ye hamare sath Korea aayi hui hai ghumne ke liye. I use this animal print t-shirt because we have seen V wear a lot of animal prints but usually in beige colors, green colors and brown colors, not blue. Sometimes blue. नीचे मैंने पहनी हुई है वही सेम नैनीताल वाली पैंट्स ब्लैक कलर में जो बहुत ही ज्यादा कम्फी है. सो ओवरऑल ये जो लुक था ना, दिस वाज वेरी वेरी कम्फी क्योंकि ऊपर साटन शर्ट थी. एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी लाइक्स टू ऐड टू हिज आउटफिट. ही मेक्स इट वेरी कम्फर्टेबल एक्सेप्ट फॉर द पार्ट वेयर ही वेयर्स अ लॉट ऑफ ब्लेजर्स एंड थ्री पीस सूट्स. दैट आई डोंट नो व्हाई इज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज पर्सनल स्टाइल. ही डजंट वेयर टाइट शूज. सो मैंने इस लुक में डाले हैं लोफर्स. We've seen him wear loafers a lot. वो भी वो पूरे नहीं पहनता है, वो भी उसके पूरा पैर ही डालता उसमें, वो बस बाहर निकाल लेता है उसमें से पैर. He wears a lot of slippers as well. Now last but definitely not least, Jungkook. Now Jungkook के नेम के आगे मैंने वीडियो के अंदर डाला हुआ है एक गैलेक्सी वाला इमोजी, विच इज बिकॉज जो भी उसने रिसेंटली लाइव्स किए हैं आपने नोटिस किया होगा, उसने एक गैलेक्सी लैम्प जला रखा होता है अपने रूम में, विच इज सो 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 प्रिटी. मुझे भी चाहिए यार ऐसा कुछ अपने रूम में. एंड इट्स सच अ वाइब कि मतलब रात को चिल करो. ऑनेस्टली जंगकुक एंड आई फील लाइक इफ वी एवर मीट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वी वुड वाइब, क्योंकि हम दोनों का बहुत ही सिमिलर एस्थेटिक है, बहुत ही सिमिलर वाइब है, स्पेशली विद द आउटफिट ऑल्सो. ये मेरा पर्सनल एस्थेटिक भी है ये जो आउटफिट है. आई लव वेयरिंग ब्लैक. सो मैंने ब्लैक कलर के टर्टल नेक पहना हुआ है विच आई गॉट फ्रॉम Amazon. एंड मेरी जो जीन्स है दैट आई गॉट फ्रॉम नैनीताल. माई बेल्ट इज फ्रॉम लुलू एंड स्काई. एंड इस आउटफिट में मैंने बहुत ही स्पेशल चीज पहनी हुई है विच इज BTS आर्मी वाला पेंडेंट जो मैंने अपने हॉल में दिखाया था. उसमें मैंने बहुत सारी BTS रिलेटेड आइटम्स खरीदी थी Amazon से एंड इट वॉज वन ऑफ देम. एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ ब्रेसलेट जो मेरी फ्रेंड अर्शिया ने गिफ्ट किया था मुझे ऑन माई बर्थडे. द शूज शिवानीज नॉट माइन, मैंने शिवानी के जूते पहन रखे इस आउटफिट में. बट येस दिस इज अ होल लुक. एक्चुअली Jungkook लाइक्स टू वेयर बहुत ज्यादा ऐसे सेट टाइप कपड़े लेटली. तो पहले वो बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक पहनता था, अभी भी वो ब्लैक ब्लैक काफी ज्यादा पहनता है. बट नाउ ही ऑल्सो डाइव्स इनटू अ लॉट ऑफ कलरफुल क्लोथ्स एज लॉन्ग एज देयर सेट्स. जो ये लुक है ना जीन्स को बूट्स के अंदर फिट करके पहनने का, ये तो यार Jungkook का ही ट्रेंड है. मैं तो कहूंगी ये इतना ज्यादा वायरल लुक था एंड डेफिनेटली अ ट्रेंड जो Jungkook ने बनाया है. दिस वॉज BTS aesthetic outfits part 3. अगर आपने part 1 और part 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज यहाँ पे जाके देख लेना. मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी होंगे एंड ऊपर आई बटन में भी. यू कैन चेक दैट आउट. कमेंट करके मेरे को ये बताना विच वन वॉज योर फेवरेट आउटफिट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैंने पूरे वीडियो शूट कर लिए बंदी सॉरी. कोई बात नहीं, so dangerous. Okay, yeah.